स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके हिस्ट्री वर्सेस रियलिटी में। और मैं और महेंद्र भाई आए थे एक लोकेशन जो एक बार विजिट करके गए थे हम, हॉन्टेड कैनल या पुलिया की चुड़ैल। देखते हैं, उस टाइम बारिश का टाइम था तो इतना क्लियर नहीं कर सके थे। मैं और महेंद्र भाई आए, और स्टोरी के लिए मैं आई बटन पे फर्स्ट वीडियो डाल दूंगा, मैं देख लेना। और पीछे पीछे करो मंदिर रास्ते कब तक हो गया। चलो, उस टाइम हमको दिखी थी आगे और गाड़ी पे ही थे। देखते हैं इस बार कुछ नज़र आता है या नहीं आता हम लोगों को। आए दिखा देना महेंद्र भाई, कैनल वैनल का सब चारों का लोकेशन दिखा दे। और उस साइड गांव में कहीं लाइट जल रही है, कैनल में पानी तो नहीं है, खाली इस साइड के पानी। साइड हम लोग को उस साइड भी देखें, मैं टॉर्च लेके आया हूँ साइड से। उस टाइम वहाँ पे दिखी थी ना आपने, रुकते हैं थोड़ी देर, क्या होता है क्या नहीं। लोग बोलते हैं, जिस भाई ने मेरे को पहले बताया था स्टोरी तो आपको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ की स्टोरी है कि पास में एक गांव है, वहाँ की लड़की थी तो यहाँ पे इस जंगल में कोई बकरी बकरी चराने आई होगी, तो उसको किसी दरिंदों ने रेप करके इस कैनाल में डाल दिया। इसके बाद वो लड़की की चीखें आज भी लोगों को सुनाई देती है, और यहाँ से भी जो भी जाता है उसको वो दिखाई देती है, उसको परेशान करती है। आज भी यहाँ जंगल के आसपास कोई आता नहीं है। मुझे ऐसा लगा पीछे कोई आया, दिखा देता हूँ मैं एक बार गूगल टाइम। हाय गूगल, गूगल टाइम इंडिया। चलो ग्यारह बज गए। उस टाइम भी हम 11:30-10 के आसपास ही आए थे। देखते हैं, थोड़ा साइड चलते हैं। लगे नहीं कि 2-3-4 लोग आए, हम दो ही है। चारों ओर कैमरा पैन करके दिखा देना। ये जंगल, ये पूरा जंगल है तो कुछ किया हुआ है। ये पूरा जंगल है, पानी पानी उधर में पूरा खाली है। जंगल में तो नहीं जाना है अपने को, ये पुलिया के आसपास बोला है, पुलिया के पास रुकते हैं। उस टाइम जो हम आए थे महेंद्र भाई हम दोनों जी। और एक बात खास कि महेंद्र भाई बहुत दिनों बाद आज आए मेरे साथ, अब से रोज वीडियो आएगी, क्योंकि मेरे पास कैमरा मैन नहीं था कोई,
पीछे 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 कोई आवाज आ रही है। वो पेड़ किस पे कोई दिख रहा है लाल से काम करके रुकते यहाँ पे जो भी है। लगता है उस टाइम ये फैक्ट्री नहीं थी ना, नहीं थी यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है दोस्तों। उस टाइम जब हम आए थे महेंद्र भाई दोनों, फैक्ट्री नहीं थी वहाँ पे और पूरा अंधेरा था। देख लेना आप एक बार वीडियो, मैंने पूरा विजिट किया था और शायद उसके बाद यहाँ पर अंदर जंगल से ही आवाज आ रही है ना। अंदर जंगल में जाने का रास्ता ही नहीं जाएगा भाई, रोड पर रोड घूमेंगे तो नहीं। नहीं आवाज जोर की आ रही है, देखो कुछ चिल्ला रहा। कुत्ते भी भौंक रहे वहां पे। लाइट मारना वहां पे, कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही है। उस टाइम हम लोग आए थे तो इस साइड से आ रही थी पता है, और वहां पे दिखी थी अपने को। फिर हम लोग गाड़ी लेके उसके पास भी गए थे, यहाँ से पूरा रोड क्रॉस करके आगे जाके वो फैक्ट्री की लाइट है तब तक जाके, और यहाँ का ही बोर्ड था, वो बोर्ड भी नहीं है तो। अंदर से आवाज आ रही है, चलो निकल दो रुकते थोड़ी देर रुक। खतरनाक आवाज आ रही है, जोर की आ रही है बहुत। दोस्तों आप मानोगे नहीं, इतनी जोर से चीखने की आवाज आ रही है कि उसकी चीखने की आवाज सुन के अपना दिल कांप उठता है। तो उसके साथ जो बीती थी उसके लिए माफी चाहते, हमें थोड़ी हमदर्दी है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों के सिवा कोई और है तीसरा। चिकने की आवाज आ रही है वो भी जंगल से आ रही है। हम लोग जो पुलिया पे, चलो वो कैमरा पैन कर दो, पुलिया पे खड़े हम लोग, लेकिन पुलिया पे कोई करता कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ जो गांव वाले बोल रहे ऐसा कुछ है नहीं। जो भी है जंगल के अंदर से आवाज आ रही है। और रही बात जंगल के अंदर जाने की, तो हम दोनों अभी रिक्स लेंगे नहीं दोनों अंदर जाने की। इतनी तेरी नजरों से, वहाँ पे दूर से गांव है, इस साइड भी जंगल है। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे देखो, वहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है कुछ? ज़ूम करो कैमरा, ज़ूम करो लाइट में, चलो ज़ूम करो। है कुछ चीजों को जीक रहा है बट क्या पता नहीं। चलता रुक उसके पास पकड़। कुछ नहीं है, भाग गया। कपड़े कपड़े मेरे को ना कोई है खड़ा है, पूरा जंगल है। देखो दोस्तों दिखा देना लाइट पर कपड़े है, अंदर से बहुत खतरनाक आवाज आ रही है यार।
अंदर जाने का रास्ता ही नहीं है। गई देखो पूरे कांटेदार झाड़ लगे हुए हैं। ये देखो जमीन भी ऐसे हिल रही है। एक काम करते यहाँ पे कभी टाइम मिले दिन में आना पड़ेगा एक बार। दिन में आने के बाद अंदर जाने का पूरा रास्ता देखना पड़ेगा तो जंगल में खूब घूम सके। मेरे चीखने की आवाज खतरनाक आ रही है ना इसकी यार। चलो मेरे को तो डर लग रहा है यहाँ पे। डरो मत, यहाँ से देखते हैं ना कैसा लग रहा है। खड़ा है वहाँ पे देख, अभी वापस दिख रहा है। ये तो लोग बोलते हैं ऐसे वीडियो बना देते हैं, लेकिन जो आता है उनको पता चलता है। लोकेशन पे जाते हैं उसको पता चलता है। बहुत डर लग रहा है, चलते दोस्तों। देखो और पुलिया पे कुछ नहीं है, जो गांव वाले बोल रहे थे पुलिया पे कुछ ना कुछ। पुलिया पे हम लोग खड़े हैं, आधे घंटे पौने घंटे के आसपास हो गया है। कैमरा दोस्तों हमने बंद कर दिया था। हम आए आधे घंटे के ऊपर, यहाँ पे रुके, अभी टाइम हो गया बहुत सारा, तो चलते हैं। 11:30 बजने के आ गए तो निकलते हैं। अभी देख लिया पूरा, ना कोई एविडेंस नहीं मिला हम लोगों को, सिर्फ जंगल से आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं है। बाकी जो भाई मेरे को बता रहा था कि उसको दिख रही थी पुलिया पे तुम रहना, मैं पुलिया पे जाके बैठा, पुलिया के पास ही खड़ा हूँ। लगा यार पीछे से कोई गया, आवाज आ रही है। चलते आधे घंटे पौने घंटे के आसपास हो गया। हम लोग आए पुलिया के पास, मैं रुका हूँ, कोई मेरे को एविडेंस नहीं मिला वहाँ पे, ना वो मेरे को दिखी है, ठीक है, सिर्फ आवाज़ आ रही है जंगल से, डरावनी आवाज़ आ रही है। वो शोर नहीं कह सकता, इतनी चीखने की आवाज़ आ रही है अंदर। अभी कोई रास्ता मेरे को अंदर में जाने का पता ही नहीं है, इसमें कहाँ से जा सके, तो हो सका कभी दिन में आऊँगा मैं और वहाँ पे जाके देखेंगे हम लोग क्या है काई। बाकी अपने को किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है भाई, जो है रियल है तो है, नहीं है तो नहीं है, वाला काम नहीं है। क्योंकि होता तो दिखा देते, नहीं है तो नहीं है। जबरदस्ती चुड़ैल लाके तो बिठा नहीं सकते यहाँ पे। चलते हैं महेंद्र भाई, चलो चलो करते हैं वीडियो बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आप सब्सक्राइब कर दिया करो, इतनी मेहनत करके आते हैं रात को 12 बजे के बाद लोकेशन विजिट करते हैं।